गारमेंट की चारों कंपनियां हमारी, उसमें हमने रिव्यू की है, वो भी काफ़ी ढंग से पेंडिंग चल रहा है, जो गवर्नमेंट इसको ध्यान नहीं दे रही है। और इसी के साथ साथ एक जिपलाइन लागू किया गया जो जोर जबरदस्ती से लागू किया गया है। Shivani, 8th sem CS student. Hi, I'm Pulkit Badulia, 8th sem CS student. Recently, मेरा placement 2 MNC company में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट management team, mentors and HODs को देना चाहूँगी। And I'm also very thankful to आर्यभट team, जिन्होंने हम students को professional life में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। General Insurance Employees Association Northern Zone के बैनर तले चारों सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने निजीकरण का किया विरोध। सरकार की निजीकरण नीति के विरुद्ध मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लाइज एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन के बैनर तले सार्वजनिक क्षेत्र की चारों बीमा कंपनियों के संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में बुधवार शाम कार्यालय समय के उपरांत सार्वजनिक क्षेत्र की चारों बीमा कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कचहरी रोड स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस के मंडलीय कार्यालय के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार की निजीकरण की नीति का विरोध किया और अगस्त 2017 से लंबित वेतनमान के पुनर्निर्धारण को शीघ्र लागू किए जाने की मांग की। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी नेता कॉमरेड राजेंद्र कुमार घारू, कार्यकारिणी सदस्य, कार्यकारी अध्यक्ष नाथूलाल जोनवाल, चेयरमैन इंद्र पिंजानी, संगठन सचिव वीएस राव, ललित कुमार एवं अधिकारी संगठन की ओर से हरि सिंह मीणा, एचएस शेखावत, अशोक सहगल, तरल कांत शाह ने संबोधित किया। सरकार की जरूरत आर्थिक नीतियाँ और निजीकरण की नीति के विरोध में मानव श्रृंखला बना करके विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें हमारे चारों कंपनियों के एक जिम्मे लागू किया गया है उसको रद्द करना, उसके बाद सरकार द्वारा निजीकरण की कई कंपनियों का सेल सभी को बेच करके आपको सरकार निजीकरण किया जा रहा है, उस निजीकरण को हम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही हमारा वेजिंग लागू करना, प्राइवेटाइजेशन बंद करना और पेंशन अमेंडमेंट हम चाहते हैं वो तुरंत लागू करना, ये हमारी नीतियाँ हैं। गवर्नमेंट की चारों कंपनियाँ हमारी, उसमें हमने रिव्यू की है, वो भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है, जो गवर्नमेंट इसको ध्यान नहीं दे रही है। और इसी के साथ साथ एक जिपलाइन लागू किया गया जो जोर जबरदस्ती से लागू किया गया है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट नेशनलाइजेशन एक्ट, इसमें सारी कंपनियों को बेच करके प्राइवेट करने का रास्ता निकाला गया है, जो हम चाहते हैं कि वो एक्ट वापस लिया जाए। उसके अलावा जो भी सरकार की निजीकरण की नीतियाँ हैं, जिसमें रेलवे है, बैंक है, रक्षा है, बीमा है, सेल है, कोल इंडिया है, इन सभी को बेचने की जो नीति बनाई गई है वो उसे वापस लिए जाए और कर्मचारी के हितों का ध्यान रखा जाए।